Hello my besties, welcome or welcome back. I'm Lavi and this is my channel That Girl In Town. So as the video title suggests, in this video we're going to talk about Swiss Beauty new launch collection jo ki hai unka craze collection aur wo sirf purple pe hi available hai. To bahut hi amazing se product unhone launch kiye hain. To unhi product ke main review aap logo ke sath share karne wali hu. So let's quickly dig into the video. सो फर्स्ट वी हैव दिस प्राइमर और सबसे पहले अप्रिशिएट कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग को. इनकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है. सारे के सारे प्रोडक्ट्स की जो पैकेजिंग है अलग कलर कोड में है और बहुत ही प्रिटी है, मतलब बहुत ही लिटरली क्रेजी वाली पैकेजिंग है एंड आई लव इट. तो सबसे पहले वी हैव देयर स्विस ब्यूटी क्रेज प्राइमर विद मोरिंगा ऑयल, कुछ इस टाइप की ब्यूटीफुल सी पैकेजिंग में आ जाता है. तो मैंने अपनी स्किन प्रेप कर ली है, उसके बाद आई यूज़ माई प्राइमर. तो स्किन प्रेप के लिए मैं बता दूं, आई यूज़ टू ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट, क्योंकि कुछ दिनों से ना एक्ने की प्रॉब्लम मुझे काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और मैंने देखा है लोगों को ना बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं और एक्ने मार्क्स भी होते हैं और वो डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं बट उनके ना स्किन पे वो वर्क नहीं कर पाते. बट दिस डर्माको सैलिसिलामाइड रेंज इज़ अमेजिंग फॉर एक्नेज. इफ़ यू हैव एक्टिव एक्ने और एक्ने मार्क, दिस वर्क अमेजिंग ऑन योर स्किन. तो फर्स्ट वी हैव देयर सैलिसिलामाइड एंटी एक्ने फेस वॉश. इसके अंदर दो पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं, 2% सैलिसिलिक एसिड एंड 2% नायासिनमाइड. दिस हेल्प्स टू रिमूव एक्सेस ऑयल, कंट्रोल ब्रेकआउट, अनक्लॉग योर पोर्स एंड फेड अवे एक्ने मार्क्स लाइक अ प्रो. नेक्स्ट वी हैव देयर सैलिसिलामाइड एंटी एक्ने सीरम. इसके अंदर भी दो एक्टिव्स का कॉम्बिनेशन है, लाइक 2% सैलिसिलिक एसिड एंड 5% नायासिनमाइड, विच नॉट जस्ट हेल्प इन रिड्यूसिंग एक्ने बट ऑल्सो ट्रीट एक्ने मार्क्स साइमल्टेनियस. दिस सीरम इज ऑल्सो पावर पैक विद एनकैप्सुलेटेड salicylic acid that control active acne and acne mark like up. Aur iske baad I use my favorite 1% hyaluronic acid aqua gel that has power of SPF 50 and PA plus formulation. So these two products are amazing to treat acne and acne marks. These are available on Amazon, Nykaa, Flipkart and Dermacookie website. Use my coupon code to get some amazing discount on Dermacookie website. Aur inka link jo hai description box mein maine mention kar diya hai, to make sure ki aap description box zarur check kare. To jab bhi aap Dermacookie se koi bhi product purchase karte hain, wo aapke order ko link kar dete hain ek child se jiski wo padhai mein madad kar rahe hain with the help of Bhumi, aur unhone pledge kiya hai ki wo is saal ke ant tak 10,000 plus student ko help karenge. So what else you need? Aapke paise good cause pe bhi ja rahe hain and you also getting a best treatment for your acne. So make sure ki aap description box zarur check kare and all the products by Dermacookie are fragrance free. So now moving on to the primer. Iski kuch is type se aapko ye internal packaging mein mil jata hai, bahut hi pyara sa you know color hai iska. To is collection mein jo bhi inhone colors use kare hain wo kafi pop up colors hain. To ye kuch is type ke aapko glass bottle mein aata hai and it has a pump in it. So let's try the product. कुछ इस टाइप से ना आपको इसकी एक जेल बेस कंसिस्टेंसी मिलेगी एंड इट इज सो गुड. सो दे क्लेम दैट इट इज फॉर ऑल स्किन टाइप, इवन आउट पोर्स, वाटरप्रूफ एंड ऑयल कंट्रोल. तो ये जब मैंने इसको अप्लाई किया है, इट फील्स सो स्मूथ, मतलब आपको बहुत ही प्यारा सा कैनवस प्रोवाइड करेगा आप अपना मेकअप स्टार्ट करने के लिए. और जहाँ तक इसकी पोर्स की बात है, तो ये आपके पोर्स को काफ़ी अच्छे से जो है ब्लर आउट कर देता है. और सो आई लव द फॉर्मूला ऑफ दिस प्राइमर, बहुत ही ईजिली आपके स्किन में जो है ये एब्जॉर्व हो रहा है एंड ट्रस्ट मी, इसने मेरे सारे पोर्स को जो है ब्लर आउट कर दिया और काफ़ी अच्छा इसने मुझे कैनवस प्रोवाइड किया है. इट हैज़ फ्रेगरेंस इन इट. तो अगर आपका जो है फ्रेगरेंस से प्रॉब्लम है, तो ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ वाली फ्रेगरेंस है. तो थोड़ी देर तो ये फ्रेगरेंस आएगी और उसके बाद ही ये थोड़ा फेड आउट होगी, बट अभी भी काफ़ी फ्रेगरेंस है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग जो कि है उनका स्विस ब्यूटी का लिप एंड चीक टिंट. एंड ट्रस्ट मी, आई लव 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 दिस प्रोडक्ट. इट इज़ देयर लिप एंड चीक टिंट और इसमें ना आपको शायद पांच, पता नहीं चार ऑप्शंस मिलेंगे. एंड दिस इज़ द आउटर पैकेजिंग. सारी डिटेल्स जो है फिर से आपको पैक पर मिल जाएगी. जो इन्होंने क्लेम किया है, दे सेड दैट दिस गिव्स यू अ मैट फिनिश, मॉइस्चराइज लिप्स एंड नॉरिशेज द स्किन. सो आउटर पैकेजिंग कुछ इस टाइप से आती है एंड दिस इज द इनर पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट. आई लव दिस पैकेजिंग. आपको जो है जो एक क्लियर कंटेनर में ये मिलता है, पीछे आपको इसका शेड नेम एंड ऑल द थिंग्स मिलती हैं. तो मैंने ये शेड जो है पहले यूज़ किया हुआ है. सो दिस वन इज़ द प्रोडक्ट जो मैंने पहले यूज़ किया हुआ है, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया. एंड दिस शेड इज़ शेड नंबर 04 पिंक जेली. एंड लुक एट दिस पिगमेंटेशन.
आई लिटरली लव दिस ब्लश क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और सिंगल स्वाइप में आपने देख लिया कितना अच्छा जो है पिगमेंटेशन प्रोवाइड करता है, बहुत ही ईजिली जो है आपके चीक्स पे जो है ये ब्लेंड होता है. तो एज ए ब्लश आई लिटरली लव इट. और एज ए लिप टिंट जब आप इसको एज ए लिप टिंट लगाएंगे ना तो ये ट्रांसफ़र होगा थोड़ा सा, क्योंकि ब्लश तो क्या होता है अच्छे से आप उसको जो है ब्लेंड कर लेते हैं अपनी स्किन में तो वो इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होता और लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है. बट जब इसे आप एज ए लिप टिंट लगाएंगे तो ये थोड़ा ट्रांसफ़र होगा और लिप टिंट पे ये इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. बट मुझे ये एज ए ब्लश बहुत ज़्यादा पसंद आया था इसलिए मैंने इसका जो है सेकेंड शेड भी ऑर्डर किया है. एंड दिस शेड इज 03 एप्पल पाई. सो दिस इज द शेड एप्पल पाई. मतलब जब मैंने इसको जो है ऑर्डर किया था तो इट सीम्स क्वाइट डिफरेंट, बट जब ये आया है तो ये कुछ और लग रहा है. दीज टू शेड्स लुक्स वेरी सिमिलर, बट ये जो है स्क्रीन पे कुछ और लग रहा था और आने के बाद कुछ और है. लेट्स स्वेच दिस आउट. सो दिस इज द शेड. So this is toward more peachier side and this is towards more mauve side. Like इसमें pink का जो और mauveish tint ज़्यादा है and this is little bit peachier side के इसमें peach tint ज़्यादा है. तो this is their dual lip color. They claims that it gives you a matte finish, high color payoff, long lasting. Last up to 12 hour, two sides हैं जिसमें आपको ईच शेड मिलेगा, हर साइड अलग अलग. दीज आर रिच मैट फिनिश. तो कुछ इस टाइप से इसकी आउटर पैकेजिंग है. सो दिस वन इज शेड 02 अल्टीमेट न्यू एंड आई हैव टू शेड्स ऑफ देम. तो कुछ इस टाइप से ना आपको अंदर की जो पैकेजिंग मिलेगी और अंदर की पैकेजिंग देख के आपको लग ही नहीं सकता कि ये जो प्रोडक्ट है आपको 299 रुपीज़ में मिल रहा है. दिस इज क्वाइट इम्प्रेसिव. सो ये है शेड 02 अल्टीमेट न्यूड एंड दिस वन इज 01 पार्टी रेड. तो इसको देख के लग ही रहा है कि इसमें दोनों के दोनों जो है रेड शेड्स होने वाले हैं. सो दीज आर द टू शेड्स. ओके तो ये दो साइड्स ना आपको इसमें दो लिपस्टिक मिलेंगी, यानी एक लिपस्टिक में आपको दो लिपस्टिक मिल रही है. तो लेट्स स्विच इट आउट. हाँ कभी. ओके सो दिस इज प्रिटी गुड रेड कलर एंड दिस वन इज लुक्स टुवर्ड्स मैरून. लेट्स सी आउट. वाओ दिस इज सच अ ब्यूटीफुल मरून शेड. मतलब पे ऑफ बहुत ही कमाल का है. काफ़ी अच्छा जो है सिंगल स्ट्रोक एप्लीकेशन आपको मिल रही है और फिनिश भी काफ़ी अच्छा है, एकदम मैट फिनिश आपको प्रोवाइड किया है. सो आई लव दीज. यानी 299 रुपीज़ में, यानी 300 रुपये में, तो ये बहुत ही प्रिटी है. और दीज आर वेरी ट्रैवल फ्रेंडली टू, कि आपको जो है सिर्फ एक लिपस्टिक रखनी है, एक अपने बैग में रखनी है और दो लिपस्टिक जो है आप कैरी करके जाओगे. सो दिस इज सो नाइस. दिस ऑल्सो हैज लिटिल बिट फ्रेगरेंस इन इट. आई डोंट नो ये फ्रेगरेंस क्यों डाली हुई है इन्होंने, क्या सोच के डाली हुई है. क्योंकि बिना फ्रेगरेंस के जो है प्रोडक्ट वो ज़्यादा प्रिफर करते हैं लोग. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद फ्रेगरेंस, बट किसी किसी की फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है और वो परेशान करती है. इट हैज़ नॉट दैट मच, बट बहुत हल्की सी है तो आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा. तो जो डार्क वाला शेड है उससे हमने लिप्स को जो है आउटलाइन किया है एंड जो लाइट वाला शेड है उससे मैं अपने लिप्स को फिल इन कर रही हूँ. Okay, so I am highly impressed by the formula and these are so comfortable on my lips, highly pigmented and of course unko dekh ke lag raha hai ye transfer proof to nahi hone wali hai. These are transferable lipstick. To ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैट फिनिश है इनका एंड दीज आर वेरी इजी टू यूज़. और बुलेट लिपस्टिक्स हैं तो आप इनको जो है रीअप्लाई करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आई एम क्वाइट इम्प्रेस बाई दीज लिपस्टिक टू. I got my hands जो कि है आई शेडो एंड डुओ ब्लशर. कुछ इस टाइप से इसकी आउटर पैकेजिंग है एंड दे क्लेम दैट रेडिएंट कलर, हाईली पिगमेंटेड, सॉफ्ट नेचुरल ब्लश. तो जो मैंने बोला था कि ज़्यादातर इन्होंने वर्क किया है डुओ, मतलब दो प्रोडक्ट एक में देने के, यानी मल्टी टास्किंग उसको बनाने के. तो ये भी एक आई शेडो है और इसका जो शेड नंबर है दैट इज 02 रोज पार्टी. कुछ इस टाइप से ऑरेंज के पॉप कलर में ये आपको आई शेडो एंड ब्लश मिलता है. सो एज ए कलर वाइज दीज आर गुड. बहुत ही प्यारा जो है इनके कलर्स हैं. सो दिस इज द इनर प्रोडक्ट. आपको जो है 4-in-1 आई शेडो मिल जाता है. इसमें चार आपको बहुत ही प्रिटी से कलर मिलता है एंड ऑल द 4 शेड्स आर हाईली पिगमेंटेड. लेट्स स्वच देम आउट फॉर यू गाइस. ओके
सो जो फर्स्ट वाला शेड है इट्स बिट आपको लग रहा होगा बहुत थोड़ा सा ऑफ है बट दैट शेड इज बेस शेड तो बहुत लाइट और न्यूट्रल शेड है तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है सो दिस इज सो गुड. दिस वन इज ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट. यू गेट अ वेरी अमेजिंग मिरर ऑन इट और एक आपको बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे जो है ब्लश मिलता है. इसके अंदर ना बबल पिंक कलर का जो ब्लश है. The shade is quite trendy these days. Dior में एक bubble pink color का जो है blush आता है and that blush is my dream blush. मुझे वो blush एक बार purchase करना है. It quite expensive. ऐसा नहीं कि उसको मैं purchase नहीं कर सकती but it's like कि मैं यार इतना expensive blush क्यों purchase करूँ क्योंकि we have very good brands in market like Swiss Beauty हो गया, Lakme हो गया, you know Maybelline हो गया. इन सब के products जो है आपको काफ़ी affordable prices में मिल जाते हैं. Even we have other brands like Kiro Kiro ke brushes are so good but they don't have this shade in that in their range. तो कुछ कुछ ब्रांड्स में है ये मुझे याद नहीं आ रहा किस किस ब्रांड में है बट अभी हम स्विस ब्यूटी की बात कर लेते हैं. तो दिस इज क्वाइट ब्यूटीफुल शेड. लुक एट दिस बबल पिंक कलर. बहुत ही प्यारा सा शेड है और वेरी पिगमेंटेड है ये भी शेड और बहुत ही इजिली ब्लेंड हो जाता है एंड इट इज वेरी लॉन्ग लास्टिंग. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट जो कि है इनका मेकअप फिक्सर विद जैस्मीन एक्सट्रैक्ट. So this is the outer packaging and this is the inner packaging. So they claim that it's locks makeup effectively and rich with niacinamide that hydrates your skin. So it hydrates your skin, that is quite good. Iska jo price hai that is 249 rupees. 2 year ki shelf life mein aapko milta hai. Kuch is type se iski outer packaging hai. It look very simple. ओके सो इट हैज़ वेरी हाई फ्रेगरेंस ऑफ जैस्मीन. मतलब जैस्मीन के नोट्स उसमें बहुत तेज़ हैं. तो जब फर्स्ट आप अपने फेस पे स्प्रे करोगे आपको एकदम से बूस्ट ऑफ फ्रेगरेंस आएगा और इन 10-15 सेकेंड इट्स फेड्स अवे. और उसके बाद अब देखो इसने ना मुझे काफ़ी प्यारा सा एकदम इंस्टेंट हाइड्रेशन इंस्टेंट शाइन मेरे फेस को प्रोवाइड किया. तो दैट इज़ नाइस. मतलब इन्होंने बोला इट हाइड्रेट्स योर स्किन तो उस हिसाब से इट हाइड्रेट्स माई स्किन. So yeah, this is all for today's video. सारे के सारे जो links हैं वो आपको description box में मिल जाएंगे. So yeah, this is all for today's video. See you in my next video. तब तक के लिए guys, bye bye, take care and namaste.